साथियों, स्वागत है आपका एआई आसान है चैनल में। दोस्तों, एआई आसान है, ये चीज आसान है, ये चीज कठिन है। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में, जनरल लाइफ में बोलते रहते हैं कि ये चीज तो बड़ी आसान है, ये चीज तो बड़ी कठिन है, वैसे हमारे चैनल का नाम है एआई आसान है। एआई जी हाँ, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको हिंदी भाषा में एआई समझ में आता है। हिंदी भाषा में कोई भी चीज आपको जल्दी समझ में आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो सभी चीजें होंगी, सभी डिस्कशन होगा, वो सभी चीजें वो हिंदी में होंगी। जो सभी पढ़ाई होगी, या जो एआई से रिलेटेड टूल्स होंगे, या आपको जॉब सर्च करनी होगी, कोई भी जानकारी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित न्यूज होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, सब चीजें बिल्कुल हिंदी में होंगी दोस्तों। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे चैट जीपीटी के साथ में। समझ लीजिए, आपका कल परसों में इंटरव्यू है, या एक हफ्ते में इंटरव्यू है, तो आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाए। इसलिए हम लोग चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, और कुछ सेट ऑफ प्रॉम्प्ट होते हैं जो कि जिसका यूज करके हम लोग चैट जीपीटी को एज ए इंटरव्यूअर बनाते हैं, और अपने खुद एज ए इंटरव्यू ही बन जाते हैं। ये इंटरव्यू आपका किसी भी से संबंधित हो सकता है, जैसे जावा, .NET, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी फील्ड से संबंधित इंटरव्यू हो सकता है। तो चलिए, आपको ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है, और वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट लिखी हुई है। प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैंने क्या लिखा हुआ है कि जिससे चैट जीपीटी इंटरव्यूअर की तरह काम करेगा। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर। आई विल बी द कैंडिडेट एंड यू विल आस्क मी द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द पोजिशन। ठीक है, जो भी पोजिशन खाली होगी उसके लिए मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। आई वॉन्ट यू टू ओनली रिप्लाई एज द इंटरव्यूअर। डू नॉट राइट ऑल द कन्वर्सेशन एट वंस। आई वॉन्ट यू टू ओनली डू द इंटरव्यू विथ मी। आस्क मी द क्वेश्चन एंड वेट फॉर माई आंसर। डू नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। आस्क मी क्वेश्चन वन बाई वन लाइक एन इंटरव्यूअर डज एंड वेट फॉर माई आंसर। माई फर्स्ट सेंटेंस इज है। अब इस तरीके से मैंने इसको चैट जीपीटी को कमांड दे दिया कि भाई चैट जीपीटी भैया, आप एक इंटरव्यू की तरह काम करें और मेरा इंटरव्यू लें। मेरा क्योंकि कल परसों इंटरव्यूअर है, ठीक है, इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू नहीं लेंगे तो हो सकता है इंटरव्यू में पास ना हो पाऊँ, इसलिए पहले से मेरा इंटरव्यू लेकर प्रैक्टिस करवा दीजिए, ताकि मैं जाके अच्छे से परफॉर्म कर लूँ। ठीक है, अब चैट जीपीटी भाई साहब को मैंने कमांड दे दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर क्या दिया एज ए इंटरव्यूअर कि हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैन यू प्लीज स्टार्ट बाय टेलिंग मी ए बिट अबाउट योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड रिलेवेंट टू दिस पोजिशन। अब हम लोग जहां भी जाते हैं, जहां भी इंटरव्यू होता है, तो पहले ये पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वैसे ही चैट जीपीटी भाई साहब ने वही पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अब आप जो भी अबाउट योर सेल्फ मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कि आप वही बताएंगे। आप मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा इसको लिखने में। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि माई नेम इज, अपना नाम बताएंगे, अपनी एजुकेशन बताएंगे, और अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, और आप जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बताते जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ उसको। माई नेम इज दीपक एंड आई एम वर्किंग एज कंटेंट राइटर। एआई आसान है, ठीक है। आई हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग। अब मैंने इसको ऐसे इंटर कर दिया। अब ये चीजें आप अलग बोल सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि ऐसा बोलना है, आप अपने हिसाब से अपना अपने बारे में बताएंगे। हाय दीपक, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर विथ 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग विथ एआई। आसान है। यू मस्ट हैव गेंड वैल्यूएबल स्किल। कैन यू शेयर मी सम ऑफ योर की अकम्प्लिशमेंट एंड प्रोजेक्ट यू हैव वर्क डन ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, अब इंटरव्यूअर नॉर्मल, आप नॉर्मल लाइफ में भी इंटरव्यू देते होंगे, यही बोल यही पूछते हैं इंटरव्यूअर कि पहले अपने बारे में बता। आपने अपने बारे में बता दिया, ठीक है, फिर उसी में से अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ देते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम इस टेक्नोलॉजी पे, .NET टेक्नोलॉजी पे काम किए हो, या जावा पे काम किया, पाइथन पे काम किए हो, तो पिछले प्रोजेक्ट में तुम क्या, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसपे तुम्हारी अचीवमेंट थी, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड की पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो की पॉइंट आप बताइए कि जैसे मैं बताता हूँ कि आई एम वर्किंग एज ए कॉन्टेंट राइटर। ओके, सो
एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैड टू राइट कंटेंट रिलेटेड टू न्यू डेवलपमेंट ऑफ एआई इन इन यूएसए। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रिलेवेंट कॉन्टेंट फ्रॉम इंडिया अबाउट यूएस एआई इंडिया। ठीक है, बट एनी हाउ आई हैव मैनेज्ड एंड टेक हेल्प ऑफ यूएस यूएस न्यूज एंड न्यूज़पेपर्स टू प्रिपेयर द कंटेंट। हमने इसको ऐसा लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखिए अगला इंटरव्यू का क्या क्वेश्चन आया। दैट साउंड्स लाइक ए चैलेंजिंग टास्क दीपक, इट इज इंप्रेसिव दैट यू मैनेज टू ओवरकम द डिफिकल्टी एंड सक्सेसफुली रोट कंटेंट अबाउट द एआई डेवलपमेंट इन द यूएसए। रिसोर्सफुलनेस इज ए वैल्यूएबल स्किल इन द कंटेंट राइटिंग फील्ड। कैन यू टेल मी अबाउट योर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आर अप्रोचेज यू नीड टू इंश्योर द कॉन्टेंट एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस डिस्पाइट बींग बेस्ड इन इंडिया। इस तरीके से आप जो भी इसको आंसर देंगे उसी में से यह एक क्वेश्चन निकाल के आपको पूछता रहेगा, और इस तरीके से आपका कन्वर्सेशन घंटों तक चलता रहेगा। आप रिप्लाई करते रहेंगे और ये आंसर अपना करता रहेगा, क्वेश्चन करता रहेगा चैट जीपीटी, और आप रिप्लाई करते रहेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपकी एक अच्छी सी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। यह प्रैक्टिस आप गूगल के बार्ड के साथ भी कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के बिंग के साथ भी कर सकते हैं, और ये ओपन एआई का चैट जीपीटी तो है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी चैट जीपीटी टूल का यूज करके आप इंटरव्यू के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो एक कमांड जो एक प्रॉम्प्ट था उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दूंगा, उसको आप नोट कर लें और अपने यूज करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।